देवास शहर के महाकाल कॉलोनी में स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय, जिसे वहाँ के शिक्षक श्री महेश जी सोनी ने अपने दृढ़ संकल्प से इस सरकारी विद्यालय को स्वयं द्वारा व विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ उनके सहयोग से एक आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित कर दिया है। श्री सोनी सन 2001 से शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ हैं। तभी से लेकर आज तक इन्होंने इस विद्यालय को ऊंचाइयों तक पहुंचाने व उसे चमन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके द्वारा किए गए इस विद्यालय की व्यवस्था, भवन निर्माण, झूले, गार्डन व स्मार्ट क्लास आदि से सुसज्जित इस विद्यालय को आज निजी विद्यालयों से भी तुलना किया जाता है। श्री सोनी सर द्वारा विद्यालय में विभिन्न सुविधा व्यवस्था विभिन्न विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी जुटाई गई। इस काम के लिए उन्हें कई सम्मान के साथ उन्हें श्रेष्ठ शिक्षक के 2 बार पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। उनकी शाला को वर्ष 2017 में स्वच्छ शाला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सर, संस्था का क्या नाम है? शासकीय माध्यमिक विद्यालय महाकाल कॉलोनी। प्रधान अध्यापक, मैं स्वयं महेश सोनी। इस स्कूल को आपने इस ऊंचाई तक लाने में कितना समय लगा आपको? जी, पिछले लगभग ऐसे 20 साल से पदस्थ हो, लेकिन पिछले 12-13 साल इसको मुझे यहाँ लाने में लगे और सभी के सहयोग से यह कार्य हुआ है। और हमारे स्कूल में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं बच्चों के लिए जुटाई गई है, जिसमें आप देख रहे हैं जिस रूम में बैठे हैं ये स्मार्ट क्लासरूम है। इसमें बच्चों के लिए 55 इंची LCD TV लगाई गई है। चूंकि अभी कोरोना कारण क्लासेस बंद है तो बच्चे बाद में इसका भरपूर उपयोग कर पाए। संस्था में आपने जो पौधे लगाए गए हैं, जी कब से लगाए हैं? पौधे पिछले 10 वर्षों पहले एक गमले से शुरुआत की थी और धीरे धीरे वर्तमान में आज विभिन्न प्रकार के 110 गमले और 200 फीट की क्यारी और एक किचन गार्डन जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां और 30 बड़े पौधे ये व्यक्तिगत रूप से भी और अन्य संस्थाओं के माध्यम से लगाए। और हमें भी खुशी है कि बच्चों के लिए हम इतना अच्छा गार्डन डेवलप कर पाए। बच्चों को खेलने के लिए आपने क्या झूले और? हाँ, बच्चों को खेलने के लिए हमने एक कंपनी के माध्यम से 2 झूले और 2 फिसलपट्टी लगवाई हैं और उनके लिए विभिन्न प्रकार के गेम्स जिसमें कैरम, रस्सी और इंडोर गेम्स पूरे उपलब्ध कराए हैं, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और उनकी रुचि बनी रहे और वे नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करते रहे। बच्चों को कोई जीके की क्लास यहाँ पर प्रारंभ? बच्चों को प्रति सप्ताह में शुक्रवार शनिवार 1 घंटे की विशेष क्लासेस जनरल नॉलेज की लगाई जाती है, जिसके अंतर्गत हम उनको विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के हिसाब से जीके पढ़ाते हैं, ताकि भविष्य में बच्चे जब भी यहाँ से क्लास आउट हो तो उनको दिक्कत की परेशानी ना हो और उनकी रुचि बनी रहे। बच्चों को आधुनिक चीजें अगर सिखाने के लिए क्या लैपटॉप की आप? जी, हमको उसके लिए शासन के द्वारा जो 10 जिले चयनित हुए थे उसमें से हमारा स्कूल चयनित हुआ और हमको 10 लैपटॉप प्राप्त हुए हैं। उनके माध्यम से वो IIT कानपुर ने तैयार किए हैं और उसके माध्यम से हम बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स सिखाते हैं और ये बहुत उनको रुचिकर लगता है और बच्चे भी बहुत ध्यान से उसको स्टडी करते हैं। तो ये हमारे स्कूल में 10 लैपटॉप है और एक कंपनी के द्वारा हमको 2 कंप्यूटर दिए गए हैं, ताकि बच्चे कंप्यूटर शिक्षा भी ग्रहण कर सके और ऑफिस का कार्य भी हो सके। क्या कोरोना टाइम में आपके टीचर बच्चों को घर घर जाकर अध्ययन करा रहे हैं? जी, कोरोना टाइम में हम नियमित रूप से बच्चों के घर अल्टरनेट जा रहे हैं, उनको मोहल्ला क्लासेस के माध्यम से और पर्टिकुलर व्यक्तिगत जाकर उनकी वर्कबुक चेक कर रहे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं, ताकि उनकी पढ़ाई सतत जुड़ रहे। वर्तमान में स्कूल 1ली कक्षा से 8वीं कक्षा तक है और इसमें वर्तमान में 110 बच्चे अभी दर्ज हैं। ये स्कूल इतना साफ सुथरा हमें जो दिख रहा है, जी ये कौन करते हैं जी? इसकी व्यक्तिगत रूप से मैं सफाई करता हूँ और इसीलिए हमको 2017-18 में देवास का स्वच्छता का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ। और प्रतिदिन सफाई, विशेषकर बच्चों की टॉयलेट, ये मेरे द्वारा की जाती है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे गंदे वातावरण में रहें, इसलिए व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक क्लास और ऑफिस और बच्चों का खेल मैदान बहुत साफ सुथरा रखा जाता है। जी, शासन की तरफ से स्कूल 3 बार बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला। 2019 में जिलाधीश महोदय द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर विशेष पुरस्कार मिला। 3 बार मुझे बेस्ट टीचर का मिला और हमारे यहाँ के 2 टीचर को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। इस प्रकार ये उपलब्धि स्कूल की शैक्षणिक उपलब्धि है।
क्या शासन की ओर से बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र लगाया जाता है यहाँ पर? हाँ, हमारे तरफ से हम प्रयास करते हैं बच्चों के स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए जिला चिकित्सालय की एक टीम है जो प्रति 6 माह में एक बार आती है, बच्चों की आंख और दांत और अन्य बीमारियों का वो परीक्षण करती है और इन्हें जो भी संसाधन होते हैं वो उपलब्ध कराते हैं। कुछ बच्चों को चश्मे भी शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और ये हम प्रति नियमित रूप से प्रति 6 माह में जरूर करते हैं। क्या स्थानीय पार्षद आपको सहयोग करता है? स्थानीय पार्षद महोदय के द्वारा सर्वाधिक सहयोग स्कूल को दिया गया, उन्हीं के सहयोग से हमारे स्कूल में पूरी बाउंड्री, पूरी कुर्सियां और आरओ वाटर के लिए आरओ उपलब्ध कराए हैं और ट्यूबवेल करवाकर उसमें मोटर फिटिंग कराकर जल व्यवस्था पूरी उनके द्वारा कराई गई। किसी बच्चों को नहीं फल बच्चों को बच्चों का पौष्टिक आहार देने के उद्देश्य से बच्चों को प्रतिदिन मेरे द्वारा और स्टाफ के द्वारा और अन्य सहयोग से प्रति सप्ताह हम एक दिन बच्चों को मौसम के फल जरूर खिलाते हैं और ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्या शासन आपको बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए पेमेंट करता है? हाँ, बच्चों को शासन के द्वारा निःशुल्क किताबें और 2 जोड़ी ड्रेस दी जाती है। इसके अलावा हम विभिन्न सामाजिक और संस्थाओं के माध्यम से बच्चों को शूज, स्वेटर, खिलौने और अन्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं ताकि उनका उत्साहवर्धन होता रहे और वे अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें। क्या हमारे हिंदू जो त्यौहार होते हैं उसमें बच्चों के यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं? बच्चों को राष्ट्रीय त्यौहार के अलावा हमारे यहाँ सभी त्यौहार इसलिए मनाए जाते हैं ताकि वे भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें, विशेषकर दिवाली, होली और ये त्यौहार इसलिए मनाए जाते हैं ताकि बच्चे अपने संस्कृति से जुड़े रहें और उनमें अच्छी भावना डेवलप हो। क्या इस स्कूल को आप कितनी ऊंचाई तक अगले बार लेके जाने का प्रयत्न करेंगे? हमारा उद्देश्य है कि इस स्कूल कम से कम हाई स्कूल बने और इंग्लिश मीडियम रहे, इसके लिए हम भी प्रयास करते हैं और हमारे पार्षद महोदय और शासन के द्वारा भी इसमें विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही यह इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल बनेगा। मेरी भी इच्छा है और सभी बच्चों की भी, उनके पालक की भी सभी इच्छा है और हम जरूर कामयाब होंगे।